आज ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए आप लोगों ने बच्चियों को जो सामान वगैरह दिया है समझो साहब आपके हाथ में दिया इसके बारे में जरा देखिए एक प्रोग्राम को नया नहीं ये हम लोग बरसों से करते चले आ रहे हैं। इधर में कोविड-19 की वजह से बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग का रुक गया। अभी भी बहुत सारा प्रोग्राम है जैसे सिलाई मशीन वगैरह है देना बाकी है और भी यहाँ पे जो है बी टी किट्स देना बाकी है चेक देना बाकी है इलाके में बहुत जगह बाकी है तो कोविड-19 के लिए है तो सारा प्रोग्राम डिले हो गया मैंने हम लोग एक साल बैक हो गए। तब तक ऐसा मैंने अब तक 10 प्रोग्राम हो चुका होता और इस प्रोग्राम के रू रवा है जो हमारी मीना है ममता जी आप वालिक नगर के जो है सेक्रेटरी भी हैं मैंने बहुत सारे एनजीओ चला रही हैं पूरे मैंने कलकत्ता के अंदर में सिर्फ 36 नंबर वार्ड में नहीं 35 भी चला रही हैं 34 में है आपके खिदमत में है बेला में है पाक सरगम में है सभी जगह चला रही हैं मैंने बहुत काम कर रही हैं औरतों के लिए। सर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का मकसद क्या रहता है सर? मैंने बच्चियाँ अपने पैर में खड़ी हो जो बैकवर्ड हैं जो कुछ कर नहीं सकती हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है सिलाई के लिए ट्रेनिंग के लिए कि सीख करके अपने खुद कबील हो सके घर में और लेडीज ट्रेनिंग का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है घरों में अपना चाहे तो डेली जो है मैंने आराम से 1000 रुपये कमा सकती है क्या औरतें जो है मर्दों से तो कपड़ा सिलाते नहीं नाप देंगे नहीं जो जो लड़कियाँ सीखी रहती हैं घर में जाती हैं औरतें अपना नाप देती हैं ब्लाउज हो साया हो पेटीकोट हो जो भी हो सिलाना हो सलवार जम्बल हो जो भी कुछ हो मैं लेडीज के जितना भी ड्रेस है कितने मतलब लड़कियों ने ये ट्रेनिंग ले चुके हैं सर यहाँ कई हजार हमारे जो हमारा कॉर्पोरेशन काम कर रहा है जो लोग जानते नहीं बहुत सारे लोग मालूम नहीं है सेक्टर कितना बड़ा बड़ा काम कर रहा है इसके अलावा भी इनको जो है लोन का फॉर्म मिलेगा जो 1.5 लाख रुपये करके इनको लोन मिलेगा अपने काम को बढ़ाने के लिए ये भी सोशल सेक्टर से कॉर्पोरेशन से मिलेगा उनको बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है देखिए लोगों को मालूम नहीं है इलाके में खास करके औरतों के लिए ये लड़कियों के लिए ये ट्रेनिंग होता है लड़कों के लिए नहीं है लड़कों के लिए इसमें नहीं होता लड़कियां कैसे जुड़े ये जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा मोहल्ले में सारे लोग जो लोग हैं एक तो कोऑर्डिनेटर बना दिए पूरा मोहल्ले में प्रचार करती हैं मेम्बर बनाती हैं सबको सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेम्बर बना करके अपना अलग अलग ग्रुप बनाती हैं अभी देखिए जैसे चेक दिया गया देखिए 10 तो एनजीओ है सेल्फ हेल्प ग्रुप है 10 को 10,000 का चेक दिया गया तो ये जो है ये लोग ग्रुप बनाती है पूरा उसी का ट्रेनिंग होता है। सर आने वाले वक्त में और कुछ और प्रोग्राम करना चाहेंगे देखिए हम तो चाहेंगे हमारे 12 महीना प्रोग्राम करें ऐसा प्रोग्राम करते रहे जिससे समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं उनको उनके हौसला अफजाई हो सके वो अपने पैर में खड़े हो सके तो पैसा कमा सकें क्योंकि अभी नौकरी तो मिलता नहीं जाता नौकरी बहुत कम है तो अभी सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट सेल्फ सर यंग बच्चियों के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने बच्चे जब पहले जब पढ़ रही है पढ़े भी ट्रेनिंग मिले तालीम हासिल करना भी जरूरी है ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा कमाना है इल्म जरूरी है ये मैंने दुनियावी दौलत से ज़्यादा कीमती है आपका इल्म क्योंकि दुनियावी दौलत खत्म हो जाएगा लेकिन इल्म जो है आपके साथ हाथ खत्म नहीं होता। मीना खातून जैसी औरतें जो ऐसी लड़कियाँ आप ज़्यादा आए मैदान में आए तो समाज का भला होगा। देखिए एक ग्रुप जो है हमारा जो चलता है जो जात पात के बोल के नहीं चलता है कि मुस्लिम लड़कियाँ बैकग्राउंड उनको शामिल लाना है हिंदुस्तानी लड़कियाँ बैकग्राउंड उनको लाना है क्रिश्चियन बैकग्राउंड उनको लाना है बंगाली लड़कियाँ बैकग्राउंड उनको लाना नहीं पूरे समाज को साथ में लेकर के हम चलते हैं सब साथ में माने सबका साथ सबका विकास हम लोग यही मकसद हमारा है इसे भाई मजहब नहीं सिखाता आपस में बाहर रखना
हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, यहाँ सब खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। जिस दिन हम चाहते हैं हमारा लगा सब खुश रहे, अच्छे से रहे, खुशहाल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।